हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका घरेलू गुलाट के इस नए वीडियो में। मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी पपीता के बारे में कि पपीता से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पपीता के, हमारी कच्ची पपीता के मैंने बहुत सारे फ़ायदे आपको बताए हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि पके हुए पपीते का फ़ायदा हमें किस किस से, मतलब कैसे कैसे होता है, और हमें किस बीमारी में पपीता खाना चाहिए, किस बीमारी में हमें पपीता नहीं खाना चाहिए, या किसके साथ हमें पपीता खाना चाहिए और किस चीज़ के साथ हमें पपीता नहीं खाना चाहिए। मैं आज आपके साथ यही रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी आपके हेल्थ के बारे में कि आपके, आपको पपीता का सेवन किस बीमारी में और किस प्रकार आपको इसका करना है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो डालूँ वो आप सबसे पहले देख लें, और उससे पहले आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। आइए जानते पपीता के बारे में। सबसे पहले मैं बताती हूँ गर्भवती महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें प्रेग्नेंट होती है, उन्हें कच्चा पपीता का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। कच्चा पपीते का सेवन से आपका बेबी भी गिर सकता है, यानी आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। कच्चा पपीता आपको सेवन नहीं करना। आपको कच्चा पपीता तो 9 महीने बिल्कुल आपको खाना ही नहीं है, और आपको थोड़ा पका हुआ पपीता भी बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि पपीते में गर्मी देने, कच्चा पपीता बहुत ज़्यादा गर्म होती, तो इसके कारण ना आपका पोषण हो सकता है। तो आप कच्चे पपीता का सेवन ना करें, आप सिर्फ पके हुए, यानी बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता का ही सेवन करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप कच्चे पपीता का बिल्कुल सेवन ना करें, आप बिल्कुल पके हुए पपीता के लिए ही उसका सेवन करें। आप मतलब प्रेगनेंसी में कच्चे पपीता का ही, मतलब कच्चे पपीता का उपयोग नहीं करना, आपको पक्का ही पपीता खाना। उसके बाद में आपके बेबी के आ जाने के बाद भी आपको कच्चे पपीता का सेवन नहीं करना, आप पके पपीता का ही सेवन कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप पक्के पपीते का ही सेवन आपको करना है। तो इसे आप, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से सेवन कीजिए, और अपने चेहरे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आपको करना क्या, आप कच्चे, आपको पपीते का वो पका हुआ पपीता लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के अच्छे से पेस्ट बना के अपने चेहरे पर लगाना है, चेहरा आपका गोरा सुंदर और अच्छा दिखने लगेगा। आप ये आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि पपीता तो सभी के यहाँ होता है, तो पपीते का प्रयोग आप मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ये सेवन ये जरूर करिए। और प्रेगनेंसी में ये ध्यान रखिए कि आपको कच्चा पपीते का सेवन नहीं करना, आप सिर्फ पके हुए, यानी बहुत ज़्यादा पके हुए पपीता का सेवन कीजिए। तो थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।